Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are safe at home and learning from there only. So, we are again back with another video of class 7th, chapter number 2, Nutrition in Plants. Now, in previous video, I have made you explain what is nutrition. Nutrition is a process in which you take up food and absorb the nutrients from there. In the process of nutrition, there are various things which comes like ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Ingestion का मतलब क्या होता है? जब आप food को intake करते हो. Digestion मतलब जब उसी food को digest करते हो. Absorption, food के अंदर जो भी nutrients present होते हैं, उनको absorb करते हो. Assimilation, जो absorbed food है या absorbed nutrients है, उसी को transport करते हो various parts of the body में. And egestion, जो undigested food है या जो waste product है, उसको आपकी body से बाहर निकालने के process को हम बोलते हैं egestion. अब हम ये सारे process detail में study करेंगे. First thing is nutrition in amoeba. Amoeba एक unicellular microorganism है, जो nutrition कैसे लेता है वो हम देखेंगे. It engulfs tiny particles of food by false feed. False feed यहाँ पे क्या है? Pseudopodia. आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, न्यूक्लियस दिख रहा है, फूड पार्टिकल दिख रहा है, राइट? अब इसका जो ये वाला पार्ट है, जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको हम बोलते हैं Pseudopodia. ठीक है, Pseudopodia क्या करता है? फूड को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, और एक फूड वैक्यूल बना लेता है, उसको पूरे फूड को कवर कर देता है, उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल. और वो जितना भी फूड है उसको डाइजेस्ट कर लेता है बाय द डाइजेस्टिव जूसेस. उसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जितना भी वेस्ट है वो इजेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर चला जाता है. सेकेंड इज हाइड्रा. हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर एनिमल. टेंटिकल्स, ये जो आपको बड़ी बड़ी लाइन्स दिख रही है, ये क्या है? टेंटिकल्स है. और ये वाला पोर्शन जो है वो माउथ है, राइट? टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ फॉर इजेशन ऑफ फूड. टेंटिकल्स से क्या करता है? वो फूड को इनटेक करता है और उसके बाद पुश द इंसेक्ट इनटू द माउथ. उसके बाद वो क्या करता है? जो भी इंसेक्ट रहती है या फूड रहता है उसको माउथ में पुश कर देता है. इन द बॉडी कैविटी डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रेजेंट. ठीक है, बॉडी कैविटी जो होती है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं. उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है और एसिमिलेशन होता है. नाउ स्पाइडर, हाउ स्पाइडर डाइजेस्ट इज फूड और हाउ स्पाइडर टेक न्यूट्रिशन. डाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, स्पाइडर का जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है. वीव स्टिकी वेब वेयर स्मॉल एनिमल्स गेट स्टक. ठीक है, आपने देखा होगा स्पाइडर का वेब होता है, जाला होता है. ठीक है, अब वेब में क्या होता है? इंसेक्ट्स जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, राइट? तो इंजेक्ट्स डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द इंसेक्ट. तो स्पाइडर क्या करता है? जो डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं उसको डायरेक्टली इंसेक्ट के ऊपर इंजेक्ट करता है. ठीक है, और उसके बाद जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं उसके बाद फूड को सक करता है, राइट? समझ में आया? फ्रॉग, अब फ्रॉग आपने देखा होगा, फ्रॉग कैसे इंसेक्ट को पकड़ता है? उसकी एक लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जो प्रे मतलब शिकार को पकड़ती है. पैरामीशियम के पास स्टिफ हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सीलिया, जिससे वो फूड को इनटेक करता है. मॉस्किटोज जो होते हैं वो प्रोबोसिस होते हैं, मतलब ब्लड को सक करते हैं, ब्लड लेते हैं. हाउस फ्लाई होता है, वो उनके पास फीडिंग ट्यूब होता है और वो फूड को सक करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में. उसके बाद बटरफ्लाई होते हैं, अगेन वो क्या करते हैं? नेक्टर और फ्लावर्स, मतलब उनको सक करते हैं. नेक्टर क्या होता है? इट कैन बी हनी. जो फ्लावर्स के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नेक्टर. ओके, सो दीज आर द डायग्राम. ये वाला डायग्राम जो है ये है पैरामीशियम. इसके ऊपर जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर जैसा प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये होता है सीलिया, जिससे वो फूड को इनटेक करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ ह्यूमन टेक अप द न्यूट्रिशन. ठीक है, सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है?
definition we will going to study. So digestion is the process in which the food is break down from complex form into simpler one. जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन माउथ में भी होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे अभी. डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. आर बॉडी परफॉर्म्स द स्टेप इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द गट और एलिमेंट्री कैनाल. ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस. ठीक है, इट्स मेन पार्ट्स आर माउथ. कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं? माउथ होता है, टंग होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है और एनस होता है. अंडरस्टैंड, ऑर्गन्स दैट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस. अब ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा में भी बताया, पैरामीशियम में भी मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं. तो सेम हमारी बॉडी में भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं, पर ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा होता है आपका माउथ में वहाँ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. राइट, फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन ड्रॉ द डायग्राम इन योर कॉपी एज वेल. अपनी कॉपी में भी आप ये डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो. फर्स्ट इज डाइजेशन इन द माउथ. माउथ में डाइजेशन कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग फूड को इनटेक करते हैं. कैसे इनटेक करते हैं? फूड कहाँ से आप लेते हो? माउथ से लेते हो ना. राइट, तो फर्स्ट पार्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ. सबसे पहले डाइजेशन जो होता है वो कुछ हद तक माउथ में ही हो जाता है जब आप अपने फूड को च्यूड करते हैं, मतलब चबाते हो अपने फूड को. आपके माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है. ठीक है, सलाइवा जो होता है वो डाइजेस्टिव लिक्विड होता है. राइट, सलाइवा में जो एंजाइम होती है उसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय थ्री पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसके तीन पार्ट्स होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. चूइंग फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड मिक्सेस इट विद सलाइवा इज मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन क्या प्रोसेस है? जब आप फूड को च्यू करते हो, मतलब चबाते हो और आप और उसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर देते हो और वो आपकी सलाइवा के साथ जब मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन प्रोसेस. फंक्शन क्या होता है? इट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर. आपके माउथ में जो सलाइवा है इट विल ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर और फूड को थोड़ा वेट और स्लिपरी बना देता है. सपोज करो अगर आपके माउथ में सलाइवा प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, आपके माउथ में लिक्विड नहीं है अगर, तो आपके ईसोफेगस में या पाइप्स में जो होता है अगर ड्राई फूड जाएगा. कभी कभी क्या होता है हम लोग कुछ ऐसा हार्ड फूड ईट कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है ना स्वेलिंग करने में. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टूथ. एक टूथ जो होता है आपके माउथ में जो टीथ होते हैं उसके एक टूथ का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको गिवन है, जिसमें क्या होता है, इनेमल होता है, डेंटाइन होता है. ठीक है, फोर टाइप्स के आपके टूथ होते हैं, एंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ओके, नाउ टंग. टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू ईट, पुशेस फूड टूवर्ड्स आवर टीथ. जो आपका टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, आपको फूड को ईट करने में हेल्प करता है और फूड को टीथ तक लाने में हेल्प करता है. It helps in the mixing of food with saliva and enables to swallow it. Helps us to speak. हम जब बोलते हैं तब भी tongue help करती है. तो क्या tongue में taste buds present होते हैं? Right? Taste buds हमारी tongue में already present होते हैं जिसकी वजह से आपको taste आता है. ठीक है, कोई भी thing bitter है, spicy है, salty है, सार है, sweet है, तो वो सारे आपको फ्लेवर्स कब पहचानने को मिलते हैं? क्योंकि आपके टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाउ डाइजेशन इन द स्टमक. फूड स्लाइड्स डाउन
इनटू द फैरिंग्स इनटू द फूड पाइप. जब आपका माउथ में डाइजेशन हो जाता है तब आपका फूड जो है फैरिंग्स के थ्रू एक फूड पाइप में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस. पेरिस्टाइल्सिस एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें फूड जो होता है वो डाउनवर्ड्स की तरफ पुश हो जाता है मसल्स से, राइट, और एक वेव मोशन होता है, राइट. तो पेरिस्टाइल्सिस कैसा मूवमेंट है जिसमें हम फूड को डाउनवर्ड्स की तरफ पुश करते हैं. स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग. स्टमक जो है आपका जे शेप्ड बैग है, ठीक है, मेड अप ऑफ मसल्स एंड होल्ड 2 liters ऑफ फूड एट अ टाइम. एक टाइम में 2 liters फूड वो स्टोर कर सकता है, ठीक है. आप जब फूड ईट करते हो तो वो कुछ फ्यू मिनट्स से फ्यू आवर्स तक आपके स्टमक में ही रहता है, राइट. डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का फूड लिया है. नाउ जो आपके आपका स्टमक होता है उसमें सिक्रीट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, ठीक है, और म्यूकस भी रहता है. म्यूकस का क्या फंक्शन रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है. अगर एसिड आपके स्टमक में सिक्रीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके स्टमक के वॉल को अफेक्ट भी करेगा, ठीक है. तो एसिड जो है वो आपके स्टमक के वॉल को अफेक्ट ना करे इसके लिए म्यूकस सिक्रीट होता है. तो म्यूकस उस आपकी वॉल को थोड़ा स्लिपरी बना देता है, अंडरस्टैंड. प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टमक. ये आपका स्टमक का स्ट्रक्चर है. ईसोफेगस से स्टमक में आपका फूड आता है एंड देन इट विल मूव अपवर्ड्स. ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें शो हो रहा है पेरिस्टाइल्सिस, मतलब पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट, ऊपर से नीचे की तरफ फूड पुश हो रहा है. अंडरस्टैंड. स्टमक मसल्स स्क्वीज एंड मिक्स द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस. स्टमक की जो मसल्स होती है वो स्क्वीज होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव फूड की हेल्प से फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है. ये जूस क्या करता है, प्रोटीन्स होता है उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है. ओके, अब पार्शियली फूड जो होता है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, मतलब थोड़ा सा फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्टमक के बाद फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, वहाँ पर भी डाइजेशन होगा. ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का. लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फूड मिक्स होता है, यहाँ पे भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, ठीक है. जो डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे सिक्रीट होते हैं वो होते हैं बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, राइट. बाइल जूस जो होता है वो लीवर में से सिक्रीट होता है एंड क्या करता है बाइल जूस, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है. पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से सिक्रीट होता है. अब पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, स्टार्च जो होता है उसको सिंपल शुगर और प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है. तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक कितने टाइप के जूसेस पढ़े हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस हमने पढ़े हैं, और कौन से पढ़े हैं, बाइल जूस हमने पढ़ा है, हमने HCl के बारे में पढ़ा है. HCl, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस तीनों डाइजेस्टिव जूस हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. HCl स्टमक में सिक्रीट होता है, बाइल जूस जो है वो लीवर में सिक्रीट होता है में से सिक्रीट होता है, और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज में से सिक्रीट होता है. अब डाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें करना है एब्जॉर्प्शन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं विलाय. विलाय क्या करते हैं, फूड के सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड. अब ये जो विलाय होते हैं इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ठीक है, ब्लड वेसल्स कह लो, ब्लड कैपिलरीज कह लो, ठीक है. अब ये क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर देते हैं और ब्लड कैपिलरीज में पास ऑन कर देते हैं, जिससे फूड ट्रांसपोर्ट होगा बाद में. फूड एब्जॉर्ब असिमिलिएशन प्रोसेस मैंने आपको बताया, फूड ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर लिया, अब उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है. तो फूड एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, उसके बाद ब्लड ने ट्रांसपोर्ट कर दिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, जिससे हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जी मिलती है, ग्रोथ में हेल्प होती है, रिपेयर में हेल्प होती है, ठीक है. ग्लूकोज जो होता है इट विल goes
into carbon dioxide plus glucose is formed with the help of carbon dioxide, water and gives energy. अमाइनो एसिड्स जो होता है वो क्या करता है, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग में हेल्प करता है. फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो होता है वो आपकी एनर्जी को रिजर्व करके चलते हैं. लास्ट इज इजेशन, मतलब अब जितना फूड डाइजेस्ट हो गया है वो तो ठीक, अनडाइजेस्टेड फूड भी बचा होगा, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जितना वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जितना भी वेस्ट बचता है, सॉलिड वेस्ट बचता है, वो रेक्टम में जाता है एंड आफ्टरवर्ड्स एनस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने डाइजेशन इन न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पढ़ा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा, इजेशन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, एसिमिलिएशन पढ़ा. ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर वेल अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.